अब आइए दो नंबर पार्ट में। अच्छा, हमने बोले थे एक नंबर पार्ट में जो भगवान सोनीदेव आए थे, लेकिन दूसरा दिन जब आए हैं तो उनको खातिर किए हैं श्रीवास्तव राजा ने, तो लक्ष्मी देवी यानी कमला देवी और सोनीदेव आए हैं, तो दोनों को ले के अपना अपना कुर्सी में बैठाया है यानी सिंहासन में बैठाया है। तो बोले महाराज, आप कोई चिंता कर रहा है माने सोचते हैं कुछ? तो बोला नहीं। कौन बोला था? सोनीदेव बोले थे। बोलने का बाद माने नहीं, तो बोलता है हम और कमला देवी तो आए हैं आपके पास इन सब दिलाने के लिए, तो आप हमारा इंसाफ दीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। तो श्रीवास्तव राजा ने बोले है जो अपना अपना कुर्सी जो पर्दा है पर्दा हटा के देखिए तो आप लोग को मालूम हो जाए। तो देखिए है कमला देवी जाने लक्ष्मी देवी का सिंहासन जो पर्दा हटा है सोने के बने हैं, और सोनीदेव का जो सिंहासन बने थे लोहे के हैं। तो सोनीदेव क्रोध हो गए, बोले एक कैसा लक्ष्मी देवी को आप सोने को सिंहासन में बैठाए और हमको लोहे के सिंहासन बैठाए, तो इसको नतीजा क्या होगा तुमको मालूम है? तो सही राजा है सभी बोलते हैं, लेकिन आज हमने देखे है जो तो मूर्ख है। हाँ, राजा केवल नाम मात्र है लेकिन मूर्खता है तुम्हारा। मैं तुमको ऐसा माने हाल कर दूंगी, लक्ष्मी देवी क्या है भगवान नारायण भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो ही हुए हैं तो उस टाइम में उनको पत्नी समझाए है किसको? श्रीवास्तव राजा को। चिंतामणि ने उनको समझाया है पहले जो भगवान जो सोनीदेव और लक्ष्मी माता जो आएंगे, क्यों आप इन दोनों के लिए आप माने आपस में कौन बड़ा कौन छोटा आप फैसला कर देने के लिए क्यों आप लिए हैं ये कंधे में ये बात रखने के लिए? तो चिंतामणि ने बोले थे, तो राजा ने बोले है देखो हम तो राजा है, सबको विचार हमको करने पड़ेंगे। और जिसको नए हैं उसको तो नए देने ही पड़ेंगे, और जिसको नए नहीं है उसको ऐसे ही उनको सजा भुगतने पड़ेंगे। मेरे कानून के अनुसार मुझे चलने पड़ेंगे। कौन बोले है? श्रीवास्तव राजा ने। तो उसने डरने का उसमें क्या है, हम क्यों डरेंगे? तो बोल तो तुम जानते नहीं है मैंने पत्नी का रहा है उनका, देवता देवता में भगवान में कितना किसी में नीला करते हैं,
उस जो करो वो तो हमको जानना नहीं है, हमारा काम हम कर दिए हैं। तो देखते हैं इसको नतीजा क्या होगा। हमने सुने हैं जो राजमहल में जो चारों तरफ जो पहरी लोग है उन लोग ने हमको बोले हैं, तो महाराज का एक काम करना ठीक नहीं है, भगवान का विचार क्यों करेंगे। तो जो हो तो उसका बात तो चारों तरफ जो घर में सावधानी से रहने पड़ेंगे। तो उस टाइम में वो श्रीवास्तव राजा का जो अपना जो पंडित है राज पंडित है उनको बुलाया, उन्होंने आए हैं आके बोले हैं, देखिए माता जी, किसको, चिंतामणि देवी को बोल रहा है, देखिए माता जी आपको पति जो किए है वो ठीक है, उनका जो काम है उन्होंने तो न्याय करने के लिए उन्होंने किए है, उनको न्याय धर्म को रक्षा करने के लिए उन्होंने किए है, ठीक है। तो बात यही है, जो भगवान को नीला समझना बहुत मुश्किल है, तो चारों तरफ थोड़ा सावधानी से रहिए। शनिदेव का क्रोध तो आप जानते हैं, उन्होंने अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। जिसको अच्छा करेंगे तो ऐसा अच्छा कर देंगे उनको, और किसी को हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे किससे। चारों तरफ यह है शनिदेव, शनिदेव है ऐसा ही एक देव है, भगवान है, इंसाफ का देवता है एकदम। उल्टा सीधा काम करेंगे उसको एकदम साथ साथ ऐसा सजा देंगे। तो जो हो तो उस टाइम में क्या हुआ, चारों तरफ जो सखियो है जो काम करते हैं रानी के पास जो लोग रहते हैं, लोग सो अपना में सब बोल रहा है, देख देख वो पेड़ में सोना का आम हुए है, आम बोला, आम तो आम होते हैं ले सोने का आम तो कभी नहीं देखे हैं, चल चल जाके देखे, सही बात है सोने का आम है। बोलता है जानते हैं ये शनिदेव का माया है, ऐसा कर रहा है। तो उसको बात उन्होंने आए है भिखारी सच कर है, बोला हम भूख प्यासा में हम तड़प रहा है, हमको कुछ खाना दीजिए। तो सखियो जाकर रानी को बोले है, जाने चिंतामणि को, तो उन्होंने आकर बोला आप यूँ क्यों आए हैं, जहाँ खाना बनते हैं वहाँ जाने से ही तो खाना मिल जाते हैं। बोला नहीं, वहाँ का खाना नहीं खाएंगे हम, राजमहल में आके खाएंगे। तो बोलता आप कौन है, तो बोला हंसते देख रहा है शनिदेव, ऐसा भिखारी का बेस में आए थे। तो जो उसको बात राजा ने जब खाने नहाने जाएंगे स्नान करने के लिए, तो उस टाइम में ऐसा हो जाएंगे जो भगवान शनिदेव ने माने अपना दृष्टि से ऐसा कर देंगे, तूफान दे देंगे और भूमिकंप दे देंगे। भूमिकंप में सारी के सारी महल टूट पड़ेंगे हाँ, और सब कुछ ये हो जाएंगे। उसको बाद क्या हाल है तो देखते रहिए। आए दो नंबर पार्ट है, अब तीन नंबर पार्ट में हम बोलूँगी, देखती है। अच्छा फिल्म का नाम है याद है,
श्रीवास्तव चिंता। श्रीवास्तव चिंता का मतलब है श्रीवास्तव है राजा, उनका नाम है, और चिंता है उनका धर्म पत्नी का नाम यानी रानी, यही है। तो यही नाम लेकर ये फिल्म बने थे, बांग्ला फिल्म। उस जमाने में बहुत सुपर हुए थे ये फिल्म। आज तो भगवान को फिल्म देखने वाला आदमी नहीं है, कारण इंसान धीरे धीरे इतना शिक्षित हो गए ना, धीरे धीरे और सनातन धर्म का जो हम लोग जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में, हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पीछे हट रहा है। भगवान को ऊपर हमारा और विश्वास नहीं है, अंधा हो रहा है, आस्ते आस्ते दूरे हट रहा है, ऐसा ही है। तो देखा जाती है लाखों में 200-500 लोग होगा, 1000 लोग होगा, और बाकी लोग ही ऐसा ही है, होते हैं। धर्म का रास्ता ऊपर में धर्म का ये बात बोलने जाएंगे तो बहुत कुछ है इसमें, उसमें धर्म का बात है, भगवान का गाने, लेकिन उसको दिल में काला है, ऐसा बहुत आदमी है ऐसा है किस्म का। तो जो हो तो देखिए आगे, उसको बाद में दूंगी। ये 2 नंबर पर थे। তবু বিচার প্রার্থীকে আমি বিমুখ করতে পারবো না, যদি তাদের বুঝিয়ে বলেন পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চান। তা হয় না চিন্তা, আমি রাজা, আমি বিচারক, এ বিচার আমায় করতেই হবে, করতেই হবে। শুভমস্তু মহারাজ। আসন গ্রহণ করে কৃতার্থ করুণী দাসকে। বসুন বসুন। চিন্তিত কেন মহারাজ? তাহলে কি বুঝবো আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তার মীমাংসা এখনো করে উঠতে পারেননি? মীমাংসা তো হয়েই গেছে গ্রহরাজ। হয়ে গেছে? নিজ নিজ আসন পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে। আসন পরীক্ষা করলে? সিংহাসন মহারাজ। বুঝেছি মহারাজ, বুঝেছি আপনার বিচারের কৌশল। লক্ষ্মী দেবীকে স্বর্ণ সিংহাসন আর আমাকে রৌপ্য সিংহাসন দিয়ে ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, কিন্তু কেন, কিসে উনি শ্রেষ্ঠতর? রুষ্ট হবেন না গ্রহরাজ, আমার জ্ঞান বুদ্ধি মতন বিচারই আমি করেছি। তোমার সে জ্ঞান বুদ্ধি ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাজা শ্রীবৎস, তোমার মতো মানুষের ওপর গ্রহরাজের প্রকোপ যে কতখানি তা তুমি হয়তো জানো না। যে অহংকারে মত্ত হয়ে তুমি আজ আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করলে, তোমার সেই অহংকারকে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করব, তিলে তিলে তোমাকে আমি দগ্ধ করব আমার কোপানলে। তোমার লক্ষ্মী দেবী তো তুচ্ছ, স্বয়ং নারায়ণও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন। আমার চেয়ে বড় ভয় হচ্ছে গ্রহরাজ শুনে কুপিত হয়েছে,
যদি মহারাজের কোনো অমঙ্গল হয়? মূর্তিমতী মঙ্গলময়ী তুমি, অমঙ্গলের সাধ্য কি যে তোমাদের স্পর্শ করে? শুধু একটু সতর্ক থেকো মা। সতর্ক থাকো কেন? রে, শাস্ত্রে বলে রন্ধ্রগত শনি, যতক্ষণ না মহারাজের কোনো দোষ ত্রুটি পাচ্ছেন গ্রহরাজ ততক্ষণ অসহায়, তাই তিনি ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একটু সতর্ক থেকো মা, কোনো রকমে তাকে সে সুযোগ দিও না। তাই হবে। এবার একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন মহারানী। না না শর্মা, বিশ্রাম আমি করতে পারবো না। কোথায় কি হয়তো চোখের জল ফেলছে, ঘর হয়তো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। আমি এইমাত্র দেখে আসছি মহারানী। তবু আর একবার যা, সকলকে বলে দিই তারা যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে, কোথাও কোনো দোষ ত্রুটি কোনো ছিদ্র যেন গ্রহরাজ না পান। সব সময় চারদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে যেন কোনো রকমই শনি ঠাকুর ছিদ্রটি খুঁজে না পায়। ও আচ্ছা, চোখ চেয়ে থাক, হয়তো এখনই শনি ঠাকুর এসে পড়বে। এই তো চোখ চেয়ে আছে, কেমন করে আসবেন আসুন না। চলো, তোমার ভাত দিয়েছি খাবে, এসো। কথাটা কানেই যাচ্ছে না যে, কি চারধারে শোলা গুঁজে বসে আছো যে, দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে যে। তোমার মতলবটা কি? আমার হাতের না ঘুষে যাক সইতে তোমার ইচ্ছে। বলি যাটা কিসের, যাটা কিসের, কি এমন মহাসভ্য না শোনে যে যা। না আর আজকে রাখা গেল না, ছিদ্র পেয়েছেন যখন তখন শনি ঠাকুর এসে গেলেন। এসে গেলেন কই আসুক তো দেখি, জগদম্বা আপনি কোমর বাঁধলে কার সাত দিয়ে এসে যান। ওগো কিসের আওয়াজ? আর কার? শনি ঠাকুরের। তোমার সে কি গো শনি ঠাকুর? ও বাবা দোহাই গ্রহরাজ, আমি না বুঝে কি বলতে কি বলেছি বাবা, আমায় ক্ষমা করো, যদি ভয় পত্তি করো বাবা। নিত্য নতুন কাহিনী আমার কানে আসছে, মনে হচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কিসের চাঞ্চল্য প্রভু? গ্রহরাজ শনির সঙ্গে তুমি যে দ্বন্দ্বে নেমেছ এ সংবাদে সকলে ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি তো দ্বন্দ্বে নামিনি। না তুমি নামনি, নেমেছে তোমারও দুটি চোখ যা গ্রহরাজকে ব্যর্থ করার জন্যে সজাগ দৃষ্টি মেলে রেখেছে। গ্রহরাজ যাতে কোনো ছিদ্র না পান তোমার চেষ্টা তাই, কিন্তু দেশবাসী তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ঘরে বাইরে একেবারে নিশ্ছিদ্র হয়ে বসে আছে। কি হয়েছে চিন্তা? শর্মা তুমি? আমি ক্ষুধা আসছ, কত আশা করে আমি বসেছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে কেন? অতিথিশালা গেলেই তো পারতে। না না, আমি ভেবেছিলাম রাজপ্রাসাদই আমি খেতে পাবো, সব ক্ষুধা আমার মিটে যাবে, কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না মহারানী। আমি? হ্যাঁ তুমি। অভুক্ত আমি কত আশা নিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছি, শুধু তুমি তা হতে দিলে না। যদি মহারাজ একটি গ্রাস মুখে তুলতেন, শুধু একটি কণা তণ্ডুল, তাহলে সেই চিত্র ধরে কে তুমি ছাড়তে বেশি? আমি চিনতে পারবে, চিনতে পারবে, সেদিন আর বেশি দূরে নয়। জাগে
অন্ধরাতে আধারেতে নিমগন জাগে রে লোকেশে অন্ধরাতে আধারেতে আজ মহারাজের রাতে বিলম্ব হচ্ছে কেন রে চম্পা? শুনবি খুব গোপন খবর, কিন্তু অনুবাদ এসেছি অঙ্গরাজ নাকি আমাদের রাজ্য গ্রাস করতে আসছে। যা, অঙ্গরাজ নিজে না গ্রহরাজ শনি? আমার হা করে কি দেখছিস রে শর্মা? আম গাছে পাকা পাকা আম হয়েছে। আম এই অকালে তার আবার পাকা পাকা? না, নিশ্চয়ই তো চোখের দোষ হয়েছে। না তাই তো, এটা একেবারে শোনা
কি অম কোথায় গেল? আজ তো দেখতে পাচ্ছি না, মিলিয়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই কোনো মায়াজাল। কি হবে চম্পা? শর্মা কোথায় তারা? এত করে নিষেধ করেছি তোদের, তবু তোরা সবাই এইসব অরক্ষিত রেখে চলে গেছিস। আমরা এই অলিন্দে গাছে দেখলাম সোনারাম। সোনারাম? হ্যাঁ মহারানী, কিন্তু অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল। কি বলছিস তোরা? তাহলে নিশ্চয় গ্রহরাজের কাজ। আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে মহারাজ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি। সতর্কতা ক্রমেই তোমার ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে দেবী। গ্রহরাজের চেয়ে অঙ্গরাজের সংবাদটাই আমাকে বেশি চিন্তিত করে তুলেছে। আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বটে, কিন্তু উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতির বন্ধনই ছিল।